गाइस, अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं और आपने अपने व्हाट्सएप को सिक्योर एंड प्राइवेट रखने के लिए उसमें दिए हुए फिंगरप्रिंट फीचर को इनेबल कर रखा है, यानी कि जब भी आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो आपको उसमें फिंगरप्रिंट को प्रोवाइड कराना पड़ता है, जिससे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाता है और आप उसकी चैट को रीड कर सकते हैं और राइट जो सब कुछ आपको करना है आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कब खड़ी होती है, जब आप कभी पानी में काम करते हैं या फिर आपके फिंगर्स में मिट्टी लग जाती है तो आपका मोबाइल जो होता है वो आपके फिंगर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप बार बार उसको फिंगर को लगा रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो आपका जो व्हाट्सएप है वो ओपन ही नहीं हो पा रहा। तो आपको लगता होगा काश ऐसा हो सकता कि मैं इस फिंगरप्रिंट को डिसेबल कर दूँ, यानी कि रिमूव कर दूँ, जिससे मेरा व्हाट्सएप इजीली जैसे मैं चाहूँ उसको ओपन कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट को क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कि जब भी आप कोई भी काम करें या कुछ भी करें आपको फिंगरप्रिंट ना लगाना पड़े और आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकें। तो दो तरीके से आप अपने व्हाट्सएप में फिंगर का यूज कर सकते हैं, यानी कि फिंगर लगा सकते हैं। एक तो व्हाट्सएप में ही फीचर है कि आप फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं, तो उसको हम ऑफ करना सीखेंगे। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जो ऐप लॉक फीचर होता है आपने उससे भी इसको इनेबल कर रखा है। तो हम दोनों ऑप्शन को देखने वाले हैं कि आप दोनों ऑप्शन से किस तरह से अपने व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कैसे आप कर सकते हो और किस तरह इजी है इसको करना। तो गाइस, अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप में और जानते हैं कि कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो जैसे ही मैं अपने व्हाट्सएप में जाता हूं, मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने फिंगरप्रिंट को मांगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अपने फिंगरप्रिंट को प्रोवाइड करा देता हूं। तो मैंने इसको फिंगरप्रिंट दे दिया जिससे अनलॉक हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको अनलॉक करते होगे अपने फिंगरप्रिंट को प्रोवाइड करके। तो अब हम इसको ऑफ करना सीखते हैं। तो ऑफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपने जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने फिंगरप्रिंट को इनेबल किया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसको ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए आपको ऊपर लिखा है अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ से वापस आ जाना है और यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। अब आप जाकर अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, आपको कोई भी फिंगरप्रिंट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ये फिंगरप्रिंट को मानेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे ये फिंगरप्रिंट ऑन होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है हमारा ऐप लॉक का। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप लॉक। जब आप ऐप लॉक सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आप ऐप लॉक से भी अपने व्हाट्सएप को इनेबल किए हों तब आपको फिंगरप्रिंट मांगता हो। तो आप ऐप लॉक में जाकर अपने व्हाट्सएप को सर्च करना और यहाँ से ये हमारा ऑन है तो हम इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद आपको दोनों तरीके से हमने सीख लिया है कि किस तरह से आप व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट को रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप जैसे ही अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये इजीली ओपन होगा, आपको इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तरह कैसे कर सकते हैं, आप तो ऐप लॉक से भी आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से जो व्हाट्सएप में फीचर दिया होता है वो फिंगरप्रिंट वाला, आप यहाँ से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि आप व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट को किस तरह से रिमूव कर सकते हो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने व्हाट्सएप को इजीली एक्सेस कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप ये सब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी।